पहले वो शुरुआत करी है एक एंडोर्समेंट से. एंड व्हाट कुड बी मोर परफेक्ट फॉर द गॉर्जियस करिश्मा कपूर दैन एंडोर्सिंग ज्वेलरी. कुछ हफ्तों पहले पॉपकॉर्न पहुंचा था करिश्मा के साथ दुबई एक ज्वेलरी स्टोर के लॉन्च पर, और अब मुंबई में भी बता रही हैं करिश्मा कि क्यों है ये ज्वेलरी के साथ इतनी जुड़ी हुई. The most important thing is that there's jewelry for any age group. I mean, if a young college girl wants to walk in and buy a sweet little pair of earrings, there is a budget for that. If you want a little earring for a little baby, there's something for her. Jewelry for a housewife. Their bridal sets. The good thing is that there is a price range for everyone. It is affordable. ये तो रही branded jewelry की बातें. करिश्मा को कौन सी jewelry है पसंद? चलिए जानते हैं. मुझे आई थिंक हर लड़की की तरह मुझे हर ज्वेलरी पसंद है. बट बेसिकली आई थिंक आई लाइक टू वेयर इयररिंग्स. आई थिंक ऑल गर्ल्स मेरे एज ग्रुप में, जैसे मैं ये बैंगल्स पहनी हूँ, आई थिंक दे रियली नाइस एंड ट्रेंडी. यू कैन वेयर इट आई मीन विथ वेस्टर्न आउटफिट या आप इंडियन के साथ भी पहन सकते हैं. सो एंड आई थिंक इट्स गुड वैल्यू फॉर मनी ऑल्सो. सो दिस इज समथिंग यू कैन गिव टू योर डॉटर और योर ग्रैंड डॉटर ऑल्सो. सो दिस इज समथिंग नाइस. छोटी बहन करीना तो शाहिद के बिना नहीं चाहती देखना अपने आप को स्क्रीन पर करिश्मा के दिल में उनके साथ एक अच्छी फिल्म में काम करने की आशा काफी है. जरूर, एक्चुअली हमें पास में भी काफी ऑफर्स आए हैं, पर हम ऐसे सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं बनाना चाहेंगे. हम चाहेंगे कि कोई अच्छी कहानी हो, अच्छा स्क्रिप्ट हो. तो व्हेन वी फाइंड दैट एंड वी फील इट्स रियली गुड, वी विल डेफिनेटली वर्क टुगेदर. जाते जाते बस यही जानना चाहता है पॉपकॉर्न, दिल्ली से जब निकल ही गई हैं करिश्मा, तो क्यों फिल्म इंडस्ट्री का सफर फिर से शुरू नहीं करती?